हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे पेपर टू आपका जो है रीएनालिसिस। उसमें चैप्टर थ्री कर रहे हैं, सीक्वेंस कर रहे हैं, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आज एक और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सब सीक्वेंस, वो स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीएससी सेकंड ईयर में हो या रीएनालिसिस जहाँ भी होगा, तो सीक्वेंस की जब बात की जा रही होगी तो सब सीक्वेंस का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी है आपका सब सीक्वेंस, वही स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी दिन से मैं डिस्टर्बेंस है, क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बट अब कंटिन्यू, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपके क्लासेस रेगुलर चलेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें आप कवर करनी है वो मैं प्रॉपरली नाइट में जग के मैं करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए करूँगा। पेपर आने वाले हैं, मुझे ही पता है, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गए थे जिसके वजह से मैं नहीं रेगुलर हो पा रहा था, लेकिन कोई नहीं, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज वही रिहर्सल में हम ऐसा करेंगे, जल्दी हम आपके गेम थ्योरी, मतलब जो भी पेपर आपके बीस सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड और थर्ड ईयर के हैं, सब स्टार्ट करने वाले हैं, करेंगे। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा हमें भी, तो कोई नहीं, करेंगे आप लोगों के लिए वर्क। तो आज हम स्टार्ट करते उसी के टर्म में, हम थोड़ा समझते हैं पहले सब सीक्वेंस क्या होता है। सब सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस होता क्या है पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सब सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस आपने पढ़ा था सीक्वेंस। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल से सब सीक्वेंस को, सपोज हमने एक सीक्वेंस लिया एन ले लिया, इसके बारे में आपको पता होगा सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, एन के बारे में, तो क्या होता है, वन बराबर वन रखते हैं, टू रखते हैं, थ्री रखते हैं, फोर रखते हैं, राइट, ऐसे आप रखते जाएंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस एन का सब सीक्वेंस क्या होगा, क्या करना आपको, इसी सीक्वेंस में से कुछ ऐसे नंबर आपको लेना है, जैसे मतलब हम इसमें से क्या इवन नंबर का कलेक्शन में लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया, क्या ले लिया, दूसरा ले लिया 1, 3, 5, 7, तो ये जो नंबर है इसी से लिए गए हैं, देखिए ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जाएगा सीक्वेंस में, और ये नंबर इसी से लिया गया है। तो ये जो नंबर है, ये सेटअप इससे बनाया गया है, जो सीक्वेंस बनाया गया है इस सीक्वेंस एन से, तो सपोज इसको सीक्वेंस को हमने नाम दे दिया 2n, क्योंकि जब आप n बराबर 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, n बराबर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, n बराबर क्या रखोगे, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा आपको, मिलेगा। तो इस सीक्वेंस का ये क्या है, सब सीक्वेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस, यानी ए टू एन इज सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, सीक्वेंस ए एन, समझे आप। इसी सीक्वेंस से हमने क्या किया, नंबर लिया था, इवन नंबर का कलेक्शन किया था 2, 4, 6, 8, और ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये हमारा इस सीक्वेंस ए एन का, मतलब एन का सब सीक्वेंस को कहलाएगा। ये क्या है, ये क्या, आप ध्यान से देखेंगे तो सीक्वेंस ये क्या है, n माइनस वन है, मतलब क्या है, अगर n बराबर आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, n बराबर 1 रखते हो तो क्या आएगा, 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 आएगा, और 3 रखोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या है, एक ऑड नंबर का क्या है, सीक्वेंस, ऑड नंबर का कलेक्शन में लिया था इस सीक्वेंस से, तो ये भी क्या है, एक क्या है, इस सीक्वेंस का n का सब सीक्वेंस कहलाएगा। समझ गया, मैं समझ गया। जैसे अगर हम सीक्वेंस लेते हैं ए एन को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव एंड ऐसे लिखते जाएंगे, तो आपको इन्हीं से क्या लेना है, नंबर को लेना है। तो इसी सीक्वेंस से अगर हम नंबर लेते हैं, ऐसा हमने क्या लिया, हमने क्या ले लिया, ए ए टू, ए फोर, ए सिक्स एंड सो ऑन। ये क्या है, ये इस सीक्वेंस एन का सब सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है ना, ए टू, ए फोर, ए सिक्स, और क्या है, ए वन, इसे समझ लिया नंबर, ए थ्री, ए फाइव, ए भी क्या है, एक सब सीक्वेंस है इस एन का, ये ए थ्री, ए फोर, ए फाइव क्या है, क्या है, सब सीक्वेंस है। लेकिन अगर बात करें ए टेन, ए फाइव, ए फाइव, ए फोर, ए सेवन, ए एट एंड सो ऑन, ये सब सीक्वेंस नहीं है, क्या है, ये सब सीक्वेंस नहीं है इस सीक्वेंस ए एन का, ए टेन, ए फाइव, ए सीक्वेंस में है ही नहीं। ठीक है,
तो ये सीक्वेंस, ये इसका सब सीक्वेंस नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है सीक्वेंस लिखा गया है ये क्या है, सब सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ए टू ए फोर ए सिक्स क्या है, ये इसी सीक्वेंस से इवन नंबर का कलेक्शन लिया गया है, यानी ए टू एन टर्म है तो ये इसका सब सीक्वेंस होगा, ये क्या है ऑड नंबर का कलेक्शन लिया गया इस सीक्वेंस से, तो ये भी इसका क्या होगा सब सीक्वेंस होगा, ठीक है। लेकिन ये इसका कलेक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब सीक्वेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। आपने एग्जांपल से भी देख लिया, ए एन का एग्जांपल हम लिया, एन बराबर 1 2 3 4 5 6 रखा, इससे हमने एक इवन नंबर का कलेक्शन लिया, इवन नंबर का जिसको नोटेशन किया ए टू एन, एन बराबर 1 रखोगे 2 आएगा, 2 3 रखोगे 4 आएगा, 3 6 आएगा, आएगा ना, तो ये क्या है इस सिक्वेंस ए एन का सब सिक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। और ये ऑड नंबर है तो ये क्या है ए टू एन माइनस 1, ये भी क्या है इसी सिक्वेंस से लिया गया है और सिक्वेंस में है भी, तो ये ए टू एन माइनस 1 एक सब सिक्वेंस है ए एन का, ए टू एन क्या है इस ए एन का क्या है सब सिक्वेंस है, ठीक है। तो ए टू एन इज सब सिक्वेंस ऑफ ए टू एन एंड ए टू एन माइनस 1, ए टू एन माइनस 1 एंड टू एन इज सब सिक्वेंस ऑफ ए एन, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा तो सब सिक्वेंस कहते किसे हैं। अब चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे कि कोई भी अगर सिक्वेंस हमारे पास ए एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, इफ न वनली इफ जो उसका सबसिक्वेंस होगा वो भी क्या करेगा एल पे कन्वर्ज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यही करने वाले हैं, सबसिक्वेंस के डिफिनेशन जानते हैं और एग्जांपल देखेंगे और थ्योरम करेंगे एक जो इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गया एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं सबसिक्वेंस की, तो आइए देखते हैं डिफिनेशन, सबसिक्वेंस का डिफिनेशन क्या है, जो बताया गया था वही सेम डिफिनेशन है, सिंपल है। फॉर एवरी इंक्रीजिंग सिक्वेंस, क्या बोला गया है, पहला पॉइंट क्या है कि एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या हो इंक्रीजिंग हो, क्या हो इंक्रीजिंग हो, ठीक है। एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन एन के एन सो ऑन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब एन वन एन टू एन थ्री एन के एन एन के एन सो ऑन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, देन सीक्वेंस ए एन के, इंडेक्स में है एन के, ठीक है, ए एन के बराबर 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, इज कॉल्ड सब सिक्वेंस ऑफ गिवन सिक्वेंस ए एन, समझ रहे हैं ना, कि पहले बात जो भी आप यहाँ पर ये एन लोगे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लोगे के लिए तो क्या होगा सब सिक्वेंस होगा ए एन का, वो क्या हो इंक्रीजिंग सिक्वेंस में हो, क्या हो इंक्रीजिंग सिक्वेंस में हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ए वन ए फाइव ए नाइन ए थर्टीन इज सब सिक्वेंस आप ए वन ए टू ए थ्री, देखिए इंक्रीजिंग में है ये ए वन ए फाइव ए नाइन ए थर्टीन, ये क्या है इस सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन का क्या है ये सब सीक्वेंस है, बट ये देखिए ए थर्टीन ए फाइव ए नाइन इज नॉट सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, ये सब सीक्वेंस नहीं है किसका ए एन का, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है और ये क्या था इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। एग्जाम्पल की बात करें तो जो सीक्वेंस हमारा ए एन लिया था, क्या लिया था एन लिया था 1 2 3 4 5 6 एंड सो एन, तो ए टू एन, ए टू एन का क्या होगा 2 4 5 6 सॉरी, और ए टू एन माइनस 1 क्या होगा, ए टू एन माइनस 1 क्या आएगा 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा एंड सो एन। अब ए एन स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर नंबर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस एन है इसके दो सब सीक्वेंस ए टू एन यानी इसी से लिया गया सीक्वेंस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 4 6 8, ये इसका नाम क्या है ये सेट ऑफ इवन नंबर है तो 2n हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है ऑड नंबर है। तो ए एन ए टू एन और ए टू एन माइनस 1 इज सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन। तो ये रहा आपका डिफिनेशन सब सीक्वेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये, उसको आप अच्छे से जरूर देख लें कर लें। अब चलिए एक थ्योरम करते हैं कि अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करता है एल पे तो देन सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा एल पे, बट कन्वर्ज ट्रू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चलिए इस थ्योरम को हम देखते हैं और प्रूफ भी करते हैं कि कैसे उसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये देखते हैं थ्योरम कि कोई सीक्वेंस हमारा अगर सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, देन सब सीक्वेंस भी क्या करेगा उसका कन्वर्ज करेगा एल पे, ठीक है। आइए देखते हैं थ्योरम, तो यह देखते हैं थ्योरम, थ्योरम में क्या पूछा गया है, थ्योरम में कहा गया है
कि इफ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू एल देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन आल्सो कन्वर्ज टू एल। कोई भी सीक्वेंस आपके पास है ए एन है वो एल पे कन्वर्ज करता है तो उसके जितने सब सीक्वेंस होंगे वो भी क्या होंगे एल पे कन्वर्ज करेंगे, ये थ्योरम में कहा गया है। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है, मैं बताऊंगा कैसे। तो कैसे प्रूव करने वाले हम ए एन का एक सीक्वेंस ले लिया, ए एन के ले लिया डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपने देखा हुआ कि लेट ए एन के बी सीक्वेंस सब सीक्वेंस ऑफ ए एन सिंस ए एन इज कन्वर्ज टू एल। क्या कर रहे हैं अब ए एन क्या है कन्वर्जेंट है तो एल पे कन्वर्ज करता है फॉर एवरी तो कन्वर्जेंट डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट हर अफसाइल के लिए एक आपको पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए मॉड ए एन माइनस एल लेस देन अपसाइलन होगा एंड फॉर एवरी एन या तो वो एम एन के इक्वल होगा या उससे क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो और जो एल होगा आपका है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उसका मॉडुलस ए एन माइनस एल लेस देन अपसाइलन होगा। अपसाइलन आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं डिफिनेशन सब चीज़ें। तो नाउ वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर एन के जीरो, तो हमने एक नेचुरल नंबर एम लिया। ठीक है, एन के जीरो या तो वो एम के इक्वल है या तो उससे क्या है एम से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा इफ एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एन के जीरो देन एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो फर्स्ट से आपको ये देख मिलता है कि जो मॉड ए एन के है मॉड ए एन के माइनस एल लेस एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एन के या तो एम के इक्वल होगा या तो हमसे क्या होगा बड़ा होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं जो उसका सब सिक्वेंस आपने लिया था वो भी क्या कर रहा है एल पे ही कन्वर्स कर रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस आपके पास ए एन है अगर वो एल पे कन्वर्स करता है तो जितने उसके सब सीक्वेंस होंगे वो भी क्या होंगे एल पे कन्वर्स करेंगे। बट कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। एग्जांपल देखिए एन इजकल टू माइनस वन के पावर एन हमने लिया एग्जांपल लिया हुआ है, ये कन्वर्जेंट नहीं होता है। आपको पता है ना कि जो ए सीक्वेंस होता है माइनस वन के पावर एन ये कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन इसका दो सब सीक्वेंस अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पर ए टू एन तो क्या आएगा वन आएगा और ए टू एन माइनस वन ओके आएगा माइनस वन आएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों कन्वर्जेंट है लेकिन सीक्वेंस क्या है अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं करेगा। काउंटर एग्जांपल देख सकते हैं ये कन्वर्जेंट नहीं होता है आपको अच्छी तरह पता है लेकिन दो सब सीक्वेंस इस काम में लिया वो क्या लिया ये दोनों क्या है कन्वर्जेंट हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सीक्वेंस ए एन जो है कन्वर्जेंट नहीं है तो उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। काउंटर एग्जाम्पल आपने देख लिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल सब सीक्वेंस रिलेटेड तो एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैश सीक्वेंस ए एन एन इजकल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन कन्वर्ज टू जीरो। देखिए इसको कन्वर्ज टू जीरो दिखाने के लिए अगर इसके दो सब सीक्वेंस को हम लेते हैं और सेम लिमिट को कन्वर्ज कर जाता है तो हम कह देंगे ना ये सीक्वेंस भी क्या है उसी पॉइंट एल पे कन्वर्ज करता है। एक तरीका और भी है किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जन दिखाने का, उससे दो सब सीक्वेंस लीजिए और दोनों को सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करता है उसकी लिमिट सेम आती है तो हम कह देंगे जो सीक्वेंस है ना वो भी क्या करता है उसी पॉइंट एल पे कन्वर्ज करेगा। बस यही करने वाले हैं। तो पहले हमने क्या किया इस एन को एक्सपेंड कर लिया, आप भी कर सकते हैं आसानी से, एन बराबर वन रखें टू रखें थ्री रखें फोर रखें रखते जाइए कुछ इस तरह सीक्वेंस मिल जाएगा। अब हमने क्या किया इसका दो सीक्वेंस ए टू वन माइनस वन लिया यानी वन पैलेस थर्ड पैलेस फाइव पैलेस जो भी नंबर उसको लिख दिया आठ नंबर वाला टर्न लिख दिया यहाँ पर इवन नंबर वाला टर्न लिख दिया। ठीक है, अब इससे दो कंक्लूजन हमें निकलता है कि अगर सीक्वेंस अगर ए एन जो है एन बाई वन बाई एन आता है तो क्या आ रहा है एन ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। क्यों देख सकते हैं वन बाई वन वन बाई थ्री वन बाई फाइव है ना ये वन बाई एन आ रहा है देख रहे हो ना ये वन बाई आ रहा है तो कब किस में वन बाई जब एन ऑड आ रहा है। अब माइनस वन बाई एन कब आ रहा है जब एन क्या है इवन है देख लो एन एन बराबर टू रखो फोर रखो सिक्स रखो तभी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो इसके दो सब सीक्वेंस हैं वो क्या कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कन्वर्ज कर रहे हैं वो है जीरो। देखिए यहाँ पर ए टू एन माइनस वन ए टू एन आज सब सीक्वेंस आप वन बाई एन जो ये दो सीक्वेंस हैं ए टू एन और ए टू एन माइनस वन ये सब सीक्वेंस है वन बाई एन का है ना सब सीक्वेंस। ठीक है मतलब ए टू एन माइनस सब सीक्वेंस है वन बाई एन का और ए टू एन
टू एन किसका सबसे कम है, माइनस वन बाई एन का, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, जीरो पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, हाँ, इसकी लिमिट निकालोगे दोनों जीरो पर कन्वर्स करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सब सिक्वेंस इसका जीरो पर कन्वर्स कर रहे हैं, तो जो सिक्वेंस ए एन है ना वो भी क्या करेगा, जीरो पे कन्वर्स करेगा, यानी जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, जीरो पे ही क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। तो एक तरीका ये भी है, कोई भी अगर सिक्वेंस है आपको उसका कन्वर्जन दिखाना है तो दो सब सिक्वेंस उसके लीजिए, अगर दोनों सब सिक्वेंस एक ही पॉइंट पर कन्वर्स करते हैं तो हम कह देंगे वो सिक्वेंस भी क्या कर रहा है, उसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। ये तो था थ्योरम सब सिक्वेंस का। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने सब सिक्वेंस देखा, डेफिनेशन देखा, थ्योरम देखा कि अगर कोई सब सिक्वेंस है एल पर कन्वर्स करता है तो उसके सब सिक्वेंस भी क्या करेंगे, उसी पॉइंट पर कन्वर्स करेंगे, ठीक है। और ये कभी जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं है तो उसका सबसिक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा। अब एग्जांपल भी देखा था, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी देख लिया आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप हायर मैथमेटिक्स के व्यू से देखिए, मतलब जैसे नेट गेट एंड बीच बहुत उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन नेट में, ठीक है, और बी एस सी में तो आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 6 से 7 नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हम सब कुछ आपका कवर करेंगे, कोशिश करेंगे सब कुछ कवर हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।